तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी इजी स्नैक्स की रेसिपी, वो भी एक आटे से दो तरह के स्नैक्स, वो भी एकदम नए तरीके से, जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा और सभी तारीफ़ करेंगे और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बड़े बाउल में 2 कप मैदा ऐड करते हैं। एक चौथाई चम्मच कलौजी ऐड करते हैं। एक चौथाई चम्मच अजवाइन ऐड करते हैं। स्वाद अनुसार काला नमक ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक चौथाई कप रिफाइंड तेल ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स करके मोयन तैयार कर लेते हैं। मोयन बनाकर तैयार कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नमक पारे का आटा तैयार कर लेते हैं। आटे में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आटा गूंदेंगे, ज़्यादा डालने से आटा गीला हो जाता है। आटा गूंद कर तैयार कर लिया है। थोड़ा सा आटा लेकर बेल लेते हैं इस तरह से, गोल कर लेते हैं आटे को इस तरह से, दबा के पेड़े तैयार कर लेते हैं। पेड़े को बेल लेते हैं। तैयार कर लिया है इस तरह से, इतना मोटा रखा है। लंबाई में कट कर लेते हैं इस तरह से। लंबाई में कट कर लिया है, इसे 3 पीस में कट कर लेते हैं। पीस में कट करके तैयार कर लिया है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तेल गर्म हो गया है, आंच को मीडियम रखा है। नमक पारा ऐड करते हैं। नमक पारे को पलट पलट कर फ्राई कर लेते हैं। आप इस तरह से हमारी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपके नमक पारा खस्ता और टेस्टी बनेंगे। धीमी आंच पर नमक पारे को गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। इसको बराबर चलाते हुए उलट पलट कर फ्राई कर लेते हैं। नमक पारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम दूसरी तरह से नमक पारा तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा लेकर बेल लेते हैं इस तरह से, गोल कर लेते हैं आटे को। इस तरह से पेड़ा तैयार कर लेते हैं। पेड़े को बेल लेते हैं। बेल कर रोटी से मैं तैयार कर लिया है इस तरह से, इतना मोटा। पीस में कट कर लेते हैं इस तरह से। इसे हम चौकोर पीस में कट कर लेते हैं, किनारों को इस तरह से निकाल देते हैं। इस तरह से कट कर लेते हैं। नमक पारे तैयार कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे सभी नमक पारे।
इस तरह से चुटकी नमक पारे बनाकर तैयार कर लिया है। इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल गर्म हो गया, चुटकी नमक पारे को फ्राई कर लेते हैं। इसे मीडियम आंच पर उलट पलट कर फ्राई कर लेते हैं। ये नमक पारे अलग तरह के हैं, इसे बराबर चलाते हुए गोल्डन फ्राई कर लेते हैं धीमी आंच पर। नमक पारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस टेस्टी खस्ता नमक पारे बनकर तैयार हैं सर्व करने के लिए। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये अच्छी रेसिपी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।